हेलो, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों कोडिंग में कैसे एक बनाते हैं ऐप। तो ये चीज़ आपको खुद भी डिस्कवर करना पड़ेगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा बताऊंगा कि क्या क्या करना है ये चीज़ में। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल ऐप गूगल में जाना पड़ेगा अपने, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ स्क्रैच, ओके। पहले आपको एस में दबाना है, फिर सी। तो मैं इधर गया, तो मैं अभी लिख रहा हूँ एस सी आर ए टी सी एच। तो मेरा पहले से ही है, देखिए आपका आ गया ना। हाँ, और मैं पहले से ही लॉग इन हूँ, तो अभी आपको ये दिखेगा ना। अब मैं जा रहा हूँ ये अपने इसमें, अब मैं इसमें गया, देखो आपको क्या आएगा। अगर आप लॉग इन होती ये दिखाएगा आपको ऐसा, ठीक है। मैं लॉग इन हूँ और आपको पता भी है इधर मेरा एक है पहले से, मैं उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो आपको ये सब चीज़ें बनाना मैं आपको इसी वीडियो में सिखाता हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे आपको पता है अभी आपको ये आपको लॉगिन में पहले देखेगा दिखाएगा आपको इधर एक फोटो दिखेगा आपको इधर एक गाना जैसा कोई फोटो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स दिखेंगे। इधर लिखेंगे ज्वाइन और साइन इन, मतलब साइन इन का मतलब होता है ऑलरेडी अकाउंट देन साइन इन और इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट टू ज्वाइन इन देन ज्वाइन इन, ओके। और उसके बाद ना क्या करना है वो ज्वाइन वाले बटन में दिखाना है और वो सब जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे अगर तो आपको वो सब मिल जाएंगे। तो आपको पहले तो आएगा कि मैं आपको बाकी में बताऊंगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉगिन, तब आपको डिटेल्स तो आपको डालने ही होंगे। हाँ, मेरे को तो उसके बाद आपको यूज़र नेम मैं आपको खुद का बनाना पड़ेगा, फिर अपना पासवर्ड खुद का। और ये यूज़र नेम और पासवर्ड को भूलना नहीं है, ठीक है। नहीं तो आपका वो आपको अगर भूल गए तो आप वापस ज्वाइन कीजिए किसी अदर में। मेरे पास एक है एक और ऐप बोलते हैं उसको फायरफॉक्स मोज़िला, तो उसमें मैं कर सकता हूँ या आप अपने दूसरे ब्राउज़र में कर सकते हो। तो आप लॉगिन हो जाओगे और उसमें आपको और भी कुछ देने पड़ेंगे, अपना ईमेल कंफर्म करना होगा और अपना वो बर्थ और डेट डालना होगा और अपना जेंडर, ठीक है। मैं तो हूँ इधर, ठीक है। मैं अपना जाता हूँ, मेरा ये यूज़र नेम है, ठीक है। और ये मेरा क्रिएट है, आइडियाज अबाउट एक्सप्लोर क्रिएट है। तो ये आपको स्क्रैच में दिखेगा और इसका मैं वापस आपको बोलता हूँ https और फिर ये आपको डालना होगा और फिर उसका नहीं तो आपको https नहीं लिखना है तो आप लिखिए सिर्फ scratch.mit.edu, ओके। और फिर आप लॉगिन करना शुरू करना। तो हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, फिर हमें क्रिएट में दबाना है क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जिससे वो करेगा और उसके बाद वो प्ले स्टोर में जानकारी आपको बताऊंगा कैसे आप ऐप को भेज सकते हो या आप इसमें खेलकर अपने दोस्तों को दिखा सकते हो खेलना कैसे। तो वो सब आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, सिर्फ स्क्रैच में क्रिएट कर जाओ, ठीक है। मेरा ये लिखाएगा क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, ओके। नाउ आपको ये सब तो दिख ही रहा है और ये एक कैट ही दिख रहा है, ये आप एग्जांपल है ना। मैं आपको और भी बताता हूँ, ये सब चीज़ें जो आपको दिख रहे हैं ये सब आपके लिए कोडिंग का है। ये सब बच्चों जैसे कोडिंग के लिए लगता है ना, पर ये बड़े लोगों भी कर सकते हैं। तो ये आपको अपना फाइल को कुछ नाम देना, तो मैं अपना दे रहा हूँ, वेट कीजिए मैं लिखता हूँ दोस्तों।
तो मैंने अपना लिख दिया फन जोन टू प्रोजेक्ट। ओके, मैंने अपना कोई भी एक ऐप नहीं बनाया, गेम नहीं बनाया, मैं गेम बना रहा हूँ और उसके बाद ये फन जोन टू के बाद में मैं एक ऐप बनाऊंगा। अब वो सब जानकारी आपको यही वीडियो में, आप इसके स्क्रैच हल्ले में, आप बाकी दिनों में कभी भी बना सकते हो, पर मैं आपको बाकी चीजें भी बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वेडनेसडे को आने वाला है। तो अभी आपको ये जो दिखता है ये सब आपको दिखेगा ना। तो दोस्तों जब आपको ये फन कुछ भी टाइटल हो जाएगा ना तो एंटर पर दबा देना, जिससे वो कंटिन्यू लगेगा। तो ये जो आपको दिखता है ये आपके लिए बहुत तीन चीजें मिलेंगे आपको, जैसे कस्टमाइज योर कैट, तो आपका आप अपना कैट को कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी इसका सर एकदम घुमा दिया इधर और फिर इधर घुमा दिया, देखिए अजीब दिख रहा है ना। अब मैं इसके अंदर दांत भी घुसा सकता हूँ, नहीं तो वो सब, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो जब मेरा एक ऐप बन जाएगा तो मैं आपको ये शेयर करूंगा अपने बहुत सारे वीडियोस में, ठीक है। तो अभी ये जो आपको दिखता है कैट, आप कभी भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ इरेज करना है इसमें तो आप इरेजर से कुछ ऐसे कर सकते हैं, देखिए। और अगर आपसे गलती से हो गया तो वरी नॉट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी दिस रीडू। थैंक्स टू रीडू यू कैन डू एनीथिंग। और टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जैसे कुछ लिखना है My cat, fun zoom cat, loading the cat, yeah loading the game। तो मेरे को अपना कैपिटल में लिखना है पहले, तो मैं एल लोडिंग कुछ भी लिख दूंगा, है ना। तो ये चीज बहुत ही इजी रहता है दोस्तों, मेरा ये एडवाइस, में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर आपको ऐसे लंबे में लिखना है तो आप ऐसे इसको सिर्फ ऐसे सीधा कर दो तो हो जाएगा आपका काम। और ये रेक्टेंगल मैंने अभी तक सॉर्ट नहीं किया क्या होता है, तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या होता है। तो अगर आपको ये खराब होने लगेगा कुछ भी तो आपको रीडू, आपको पता है। तो हम लोग चेंज कर रहा हूँ मैं, मुझे जरूरत नहीं है कुछ चीज की। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ पीछे में कोड में। अब ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो अपना प्रोजेक्ट वाला में ऐसे हम लोग डाल सकते हैं, कैसे हम क्या हम बोलते हैं उसको। देखो आपको ये ऐसे स्क्रॉल नीचे करो, ये आपको ऐसे दिखेगा। तो उसके बाद आप जो बटन में दबाओगे वो दिखाएगा कि क्या करना है। चूज अ बैकग्राउंड में दबाना और चूज अ बैकग्राउंड दो दो। तो मेरे को चाहिए कि मैं एक फुटबॉल में नहीं रहूं, बेडरूम में रहूं, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ ये, और देखो आपका हो गया, और आपका ये ऐसे आ जाएगा। मेरा पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है, आपको ये वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट वाले में। तो दोस्तों ये जो आपको दिखता है, आप इसका वॉइस भी कंज्यूम कर सकते हो। देखो जैसे अभी एक वॉइस के लिए एक मिलता है ऐसे, तो ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ ये पार्ट को, तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप चेक कीजिए क्या है ये इधर। तो ये अच्छा लगा तो आप इसको सीधा ऐसे दबा दीजिए और फिर बैक में जाए, ठीक है। और मैं आपको बहुत कोडिंग वाले चीजें दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। देखिए आपको ये सब मिल जाएगा जो आपको चूज करना है, जैसे मेरे को ये चूज करना है और मेरे को ये ही नहीं चूज करना। तो नेक्स्ट, तो आपको ये जो दिखता है आप ना इसको कुछ भी चूज कर सकते हो। तो मैं हमने अगर ये नहीं अभी जाना है वापस अपने कोडिंग में तो बैक जाए। कंज्यूमिंग वाला मैंने आपको बता दिया है और ये भी आपको पता चल गया है, तो आपका सब कुछ हो जाएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये वीडियो सिर्फ आपको मैंने बताया क्या क्या आप कर सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कोडिंग भी बताऊंगा क्या कर सकते हैं उसके साथ, और बाकी चीजें आपको बताऊंगा। तो बाय दोस्तों।